सो दोस्तों आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको 30,000 के अंडर कौन से फ़ोन बाय करने चाहिए। और यहाँ पे भी जो क्राइटेरिया सेट होता है कि आपको अपने नीड एंड यूज़र के अकॉर्डिंग ही फ़ोन को बाय करना चाहिए। और यहाँ पे भी मैंने फ़ोन्स की रैंकिंग की हुई है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आपको कैमरे वाला फ़ोन चाहिए तो मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ, अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए तो वो भी आपको मैं बताने वाली हूँ, या फिर अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले चाहिए या फिर कर्व डिस्प्ले चाहिए, ये सारी चीज मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूं। और जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूं कि आपको अपने नीड एंड यूजर के अकॉर्डिंग ही अपना फोन बाय करना चाहिए, तभी आप जाके अपने लिए एक परफेक्ट फोन आप बाय कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली मार्केट में इतने सारे फोन्स होने के बाद तो कंफ्यूजन होना भी जायज है। सो इसी कंफ्यूजन को आज क्लियर करते हैं इस वीडियो में, चलिए डिटेल में बात करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। सो जो नंबर 5th पे जो फोन है वो है बेस्ट कैमरे के लिए। अगर आपको एक अच्छा कैमरे वाला फोन चाहिए तो यहाँ पे आप Realme 13 Pro Plus आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये एक ऐसा कैमरा है जहाँ पे आपको 3x तक पेरिस्कोप आप टेलीफोटो आपको लेंस मिल जाते हैं। सो यहाँ पे अगर आपको एक अच्छी फोटोग्राफी करनी है, वीडियो शूट का आपको काफी ज्यादा शौक है, सो आप इस फोन को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। अगर मैं इसके यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो 6.7 इंचेस की आपको एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 2000 निट्स के पे एक ब्राइट गोरिल्ला ग्लास 7i का आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाता है, क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 आपको प्रोसेसर मिलता है जो वर्क करता है 4nm के चिपसेट पे, 7 लाख के अराउंड इसका आपको अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाता है, एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है, Realme UI 5.0 पे वर्क करता देखोगे, 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट है, 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट है। ये फोन आपको यहाँ पे 2 वेरिएंट में मिलने वाला है, LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50+50+8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे कैमरा मिलता है। यहाँ पे आपको जो स्पेशल है वो ये है कि 3x तक आपको ऑप्टिकल जूम मिलता है, पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिल जाते हैं, फ्रंट में आपको यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिलता है, दोनों में ही आप 4K की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ में सारी कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, प्लस 5200mAh की बैटरी है जो सपोर्ट करती है 80W के चार्जिंग स्पीड को। सो डिजाइन वाइज एंड लुक वाइज भी ये फोन काफी अच्छा है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, डिसेंट परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो थोड़ा सा यहाँ पे पुराना प्रोसेसर यूज किया गया है, तभी मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाती है, लेकिन कैमरे के लिए ये फोन बिल्कुल परफेक्ट है एंड आप इसको अंडर 30,000 में इजिली बाय कर सकते हैं। अब जो मेरे लिस्ट पे नंबर 4th पे जो फोन है, अगर यहाँ पे आपको गेमिंग काफी ज्यादा जरूरी है और एक फ्लैट डिस्प्ले आपको पसंद है तो आप डेफिनेटली OnePlus Note 4 को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। मेटल बॉडी के साथ आता है तो यहाँ पे जो आपको बॉडी मिल रही है वो काफी डिफरेंट मिल रहा है, थोड़ा डिफरेंट फोन चाहिए क्योंकि ऐसी बॉडी आपको और दूसरे फोन में नहीं देखने को मिलती है, किसी की पॉलीकार्बोनेट बॉडी होती है या फिर वीगन लेदर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक मेटल बॉडी का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, प्लस इस फोन के अंदर आपको फ्लैट डिस्प्ले का आपको सपोर्ट मिलता है, गेमिंग के लिए काफी बेस्ट है, परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको जबरदस्त देखने को मिल जाती है। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो 6.74 इंचेस की फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, HDR10 प्लस का सपोर्ट है, 2150 निट्स के पिक ब्राइटनेस है, क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 आपको यहाँ पे प्रोसेसर मिलता है जो वर्क करता है 4nm के चिपसेट पे, 14 लाख आपको यहाँ पे अंततः स्कोर देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है, एंड यहाँ पे आपको 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है एंड 6 साल का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है जिसको आप वर्क करता देखोगे, ऑक्सीजन OS 14.1 पे। यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे वाइड कैमरा मिलता है विद OIS, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, सारी कनेक्टिविटी है, 5500mAh की बैटरी है जो सपोर्ट करती है 100W के चार्जिंग स्पीड को। तो जो आपको यहाँ पे अंतुतु स्कोर देखने को मिलता है 14 लाख के अराउंड आपको यहाँ पे प्रोसेसर का अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है। तो ये अगर आपके लिए फ्लैट डिस्प्ले इंपॉर्टेंट है, आपको फ्लैट डिस्प्ले पसंद है, अच्छी परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए, मेटल बॉडी वाला फोन चाहिए, तो आप OnePlus Note 4 को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, इजिली आपको अंडर 30,000 में ये फोन मिल जाएगा। अब जो मेरे लिस्ट पे नंबर 3rd पे जो फोन है वो भी परफॉर्मेंस के लिए फोन है एंड ये आता है Realme की तरफ से, Realme GT60। इस वाले फोन की मैंने अनबॉक्सिंग की है, अगर आपने इसकी अभी तक डिटेल वीडियो नहीं देखी है मेरे चैनल पे तो जरूर जाके देखिए। सो यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी मिल जाती है, जैसे कि आपको मैंने पहले वाले फोन में बताया अभी OnePlus Note 4 में कि आपको वहां पे फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, तो अगर आपको कर्व डिस्प्ले पसंद है तो आप डेफिनेटली इस फोन को भी बाय कर सकते हैं, जहां पे आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा बेहतर हो जाता है। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, 6.78 इंचेस के आपको LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 6
6000 nits के पिक ब्राइटनेस है, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। प्रोसेसर की बात की जाए तो क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 वाला आपको यहां पे प्रोसेसर मिलता है जो वर्क करता है 4nm के चिपसेट पे। एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है, 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट है, 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट है, LPDDR5X रैम टाइप है एंड UFS 3.1 आपको यहां पे बेस वेरिएंट में मिलता है एंड 4.0 आपको वहां पे थोड़ा हायर वेरिएंट पे मिलता है। कैमरे की बात की जाए तो यहां पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा जिसके अंदर आपको OIS का सपोर्ट मिलता है, प्लस यहां पे आपको लाइट या 600 का भी सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है जिसमें भी आपको IMX355 आपको यहां पे सेंसर मिलता है, 4K की वीडियोस आप यहां पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिल जाता है, यहां पे भी आप 4K की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टीरियो स्पीकर्स है, सारी कनेक्टिविटी यहां पे है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, 5500mAh की बैटरी है जो सपोर्ट करती है 120W के चार्जिंग स्पीड को। जो इसका डिजाइन है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, इवन यहां पे आपको 2-टोन में ये वाला डिजाइन मिल जाता है। इसका जो प्राइस है वो 30,999 है, बट अभी आपको ये आफ्टर डिस्काउंट भी ये अंडर 30,000 में कॉस्ट करेगा फोन, लेकिन ये एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला फोन है। कर्व डिस्प्ले पसंद है आपको, एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए तो डेफिनेटली आप Realme GT 60 को आप कंसीडर कर सकते हैं। सो मेरे लिस्ट पे जो नंबर सेकंड पे फोन है वो है पोको की तरफ से Poco F6। यहां पे भी अगर आपके लिए सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर करती है ना तो डेफिनेटली ये फोन आपके लिए है। तो इसके अंदर अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो 6.67 इंचेस की आपको एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो वर्क करती है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, 2400 निट्स के पिक ब्राइटनेस है, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन मिल जाता है, क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8S जेन 3 वाला प्रोसेसर मिलता है जो वर्क करता है 4nm के चिपसेट पे, एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है, यहां पे आपको 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने वाला है, 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलने वाला है, हाइपर OS पे आप इसको वर्क करता देखोगे, डुअल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा जिसके अंदर OIS का सपोर्ट है, प्लस यहां पे आपको सोनी का IMX882 सेंसर मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, यहां पे भी आपको सोनी का कैमरा मिलता है, IMX355 आपको सेंसर मिल जाता है, फ्रंट की बात की जाए तो 20 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट में कैमरा मिलता है जहां पे आप 1080p की वीडियोस को आप यहां पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, बैक में आप 4K की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, कनेक्टिविटी आपको यहां पे सारी मिल जाती है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, 5000mAh की बैटरी जो सपोर्ट करती है 90W के चार्जिंग स्पीड को। एंड सो यहां पे जो इसका प्राइस रेंज है वो 27,999 का इसका प्राइस रेंज है, और इवन इसका बेस वेरिएंट नहीं, जो इसका हायर वेरिएंट है वो आपको इतने का कॉस्ट कर रहा है, डेफिनेटली एक परफॉर्मेंस बेस्ड फोन है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अगर आप एक पोको का फोन बाय करना चाहते हैं तो। अब जो मेरे लिस्ट पे नंबर 1 पे है वो फोन है मोटोरोला की तरफ से Moto H50 Pro। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना बजट रेंज 30,000 से ऊपर 1-2,000 आपको और लेके जाना पड़ेगा तब जाके आप इस फोन को बाय कर सकते हैं, लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी है एंड दैट इज Moto H50। इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप एक 30,000 के अंदर ही फोन बाय करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको एक अच्छा कैमरे वाला फोन में डेफिनेटली बोलने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मोटोरोला ने कैमरे में इंप्रूवमेंट की है वो बहुत अच्छी की है। सो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस डिसेंट देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं Moto H50 Pro के स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलता है 6.7 इंचेस का PoLED डिस्प्ले मिलती है जो वर्क करती है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे, HDR 10 प्लस का सपोर्ट है, 2000 निट्स के पिक ब्राइटनेस है, IP68 की रेटिंग है, क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 वाला आपको यहाँ पे प्रोसेसर मिलता है जो वर्क करता है 4nm के चिपसेट पे, एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है, 3 साल के मेजर OS अपडेट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं जिसको आप वर्क करता देखोगे मोटो के हेलो UI पे। ट्रिपल आपको यहाँ पे कैमरा सेटअप मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा विद OIS, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जिसके अंदर आप 3x तक ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 4K की वीडियोस आप 30fps पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ्रंट पे आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिल जाता है जहां पे आप 4K की वीडियोस को 30fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, 125W का आपको चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, 50W का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, 10W का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। सो यहां पे मैं इस फोन को एक ऑलराउंडर फोन कहूंगी क्योंकि यहां पे आपको परफॉर्मेंस भी डिसेंट मिल रही है। अगर आपको एक वीगन लेदर वाला फोन चाहिए जो इसका डिजाइन काफी डिफरेंट हो, एक कर्व डिस्प्ले चाहिए, IP68 की रेटिंग है, यानी कि फोन अगर पानी में भी जाता है तो कोई इशू नहीं आएगा, फोन गीला भी हो गया तो भी ऐसा कोई भी इशू नहीं आने वाला है, प्लस यहां पे आपको कैमरा भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, बैटरी में भी आपको 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है। अगर मैं ऑल्टरनेटिव जो ऑप्शन मैं आपको बता रही हूं एंड दैट इज Moto H50, तो वहां पे जो आपको प्रोसेसर मिल रहा है वो है स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 AE, यानी कि एक्सेलरेटेड एडिशन, तो वहां पे थोड़ा सा प्रोसेसर आपको डाउन मिल रहा है, लेकिन अदरवाइज वहां पे भी आपको IP68 की रेटिंग मिल रही है, सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा सा प्राइस में भी यहाँ पे डिफरेंस आ जा रहा है। अगर आपको थोड़ी और बेटर परफॉर्मेंस के लिए फोन चाहिए, अगर आप अपना बजट रेंज थोड़ा सा बढ़ा सकते हो तो आप Moto H50 Pro को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। सो द
दोस्तों ये कुछ ऐसे फोन्स हैं जो आप अभी के टाइम पे अंडर 30,000 में इनको बाय कर सकते हैं एंड अपने नीड एंड यूजर के अकॉर्डिंग। अगर आपको कैमरा वाला फोन चाहिए तो आप रियलमी 13 प्रो प्लस को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस बेस्ड फोन चाहिए तो मैंने आपको 3 फोन रेकमेंड करे हैं। अगर आपको ऑलराउंडर फोन चाहिए तो वहां पे आप मोटो एच 50 प्रो को भी कंसीडर कर सकते हैं। इन सभी फोन्स का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर जाके वहां से चेकआउट करिए। और इनमें से आपने कौन सा फोन बाय किया है या फिर कौन सा फोन आप बाय करने का सोच रहे हो, ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल। थैंक यू।